दांतों में उंगली दिए, मौत भी खड़ी रही, फौलादी सैनिक भारत के इस तरह लड़े। अंग्रेज बहादुर एक दुआ मांगा करते, फिर किसी तात्या से पाला ना पड़े। दोस्तों, ये पंक्तियां भारत के वीर योद्धा और अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले तात्या टोपे को समर्पित हैं, जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी थे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक चला। इस युद्ध में भले ही भारत आजादी ना हासिल कर पाया हो, लेकिन कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जैसे कई हिंदू और मुस्लिम समुदायों के योद्धा शामिल थे। इन्हीं योद्धाओं में नाम आता है तात्या टोपे का, एक ऐसे रेबल जनरल जिनके पास युद्ध से पहले तक औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण यानी फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1857 के युद्ध में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। भारत के इस महान वीर सपूत तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नामक एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या की माता का नाम रुक्मणी बाई था, जो कि एक धार्मिक और घरेलू महिला थी। तात्या टोपे अपने परिवार में 8 भाई बहन के बीच सबसे बड़े थे। पिता पांडुरंग राव इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करने हेतु काफी चिंतित रहा करते थे, जिसके चलते वो महान सेना नायक पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। तात्या परिवार में सबसे बड़े होने के नाते सेना नायक पेशवा बाजीराव के दरबार में अपने पिता के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे थे, और साथ ही साथ अपनी शिक्षा दीक्षा पेशवा बाजीराव के पुत्रों और मनुबाई यानी झांसी की रानी के साथ करने लगे थे। तात्या बचपन से ही काफी तेज और साहसी थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और तात्या टोपे युवा अवस्था में आए। तब पेशवा बाजीराव ने तात्या टोपे को अपने ही दरबार में मुंशी बना लिया। उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्यता को देखते हुए सेना सम्राट पेशवा बाजीराव ने उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्न जड़ित टोपी पहनाकर उनका सम्मान किया था। कुशलता पूर्वक यह समारोह खत्म ही हुआ था कि तभी अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के राज्य पर हमला कर दिया, और अंग्रेजों से पराजित पेशवा बाजीराव राज्य महल छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बिठुर में जाकर रहने लगे। उनके साथ तात्या टोपे के पिता भी अपने परिवार को लेकर बिठुर में जाकर बस गए। शुरू से ही युद्ध और सैनिक अभियानों में रुचि होने की वजह से बिठुर में ही तात्या टोपे ने सैन्य और युद्ध अभ्यास किया। बिठुर में रहते हुए ही तात्या टोपे बाजीराव पेशवा के गोद लिए गए पुत्र नाना साहेब के संपर्क में आए और एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। आगे चलकर तात्या टोपे को नाना साहेब का दायां हाथ कहा जाने लगा। तात्या टोपे शुरू से ही नाना साहेब के पिता पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से काफी दुखी थे, और उन्हें अपने प्रिय दोस्त नाना साहेब का अधिकार छिन जाने का भी काफी अफसोस था। इसके चलते उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। वहीं उस वक्त 1857 में अंग्रेजों की क्रूर नीतियों की वजह से विद्रोह छिड़ा हुआ था। इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए तात्या टोपे और नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी 20,000 सैनिकों की सेना तैयार की और कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों को कानपुर से भागना पड़ा। फिर नाना साहेब को कानपुर का पेशवा और तात्या टोपे को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया, और फिर से एक बार उनके जीवन में खुशियों का दिन आया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी, क्योंकि अंग्रेजों ने गुरिला युद्ध रणनीति अपनाते हुए अपनी विशाल सेना के साथ बिठुर पर हमला कर दिया, और इस हमले में तात्या टोपे को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने तात्या टोपे का 2800 मील तक पीछा किया, लेकिन फिर भी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और बिठुर छोड़कर भागने में सफल रहे। फिर इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झांसी पर हमला बोल दिया। तब तात्या टोपे ने अपनी 15,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों पर धावा बोला, और दोनों तरफ से गोली और तलवारों की गूंज उठने लगी। दोनों तरफ से चलती गोलियां और तलवारों के बीच रानी लक्ष्मीबाई के काफी सारे सैनिकों को मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया। फिर भी खून से लथपथ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सैनिकों का सामना करती रही,
लेकिन घायल अवस्था में रानी लक्ष्मी ज्यादा समय तक अंग्रेजों से नहीं लड़ पाई और युद्ध स्थल में ही वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन इस मर्तबा भी अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ने में नाकामयाब रहे। इसी तरह तात्या टोपे अपनी प्रखर बुद्धि और चतुर नीतियों की वजह से हमेशा अंग्रेजों से बचते रहे। लेकिन बताया जाता है कि तात्या की मृत्यु मान सिंह से मिले धोखे की वजह से हुई। राजगद्दी के लालच में मानसिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि वीर सपूत तात्या टोपे को शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने तात्या टोपे के सम्मान में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही कानपुर और शिवपुरी में तात्या टोपे का स्मारक बनाया गया और भारत की आजादी की पहली लड़ाई में उनके त्याग बलिदान और कुर्बानी को याद रखने के लिए मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क बनवाया गया है, जहां पर तात्या टोपे की मूर्ति स्थापित की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत के इस महान वीर सपूत तात्या टोपे से जुड़ी अगर कोई अन्य जानकारी आपके पास हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अन्य पर्सनैलिटी की बायोग्राफी के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े रोचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। टेक केयर।